देखिए आज दूसरा पाठ कक्षा 12 में प्रारंभ हो रहा है। अगले पाठ का नाम है वंशगत का आणविक आधार। वंशगत का आणविक आधार, तो वंशगत का जो आणविक आधार है वो क्या है? आनुवंशिक लक्षणों को कौन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके पहले वाले पाठ में भी आपने पढ़ लिया, वो है डीएनए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। डीएनए के विषय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है? तो जो हिस्टोन है वो लाइसिन और आर्जिनिन से समृद्ध होने के कारण ये क्षारीय होते हैं और ये अम्लीय प्रकृति के डीएनए को लिपटने के लिए, जो अम्लीय नेचर के डीएनए उसको लिपटने के लिए कोर प्रदान करके न्यूक्लियोसोम नामक रचना बनाती है। इस प्रकार लंबे डीएनए अणु की पैकेजिंग जो है वो आसान हो जाती है। लंबे डीएनए अणु की पैकेजिंग आसान हो जाती है इन्हीं के संघनन के कारण, सोलेनोइड बनाने, क्रोमैटिन बनाने से जो रेखीय डीएनए अणु है छोटे से केंद्र में समा सकता है या छोटे से केंद्र में आ जाता है। तो डीएनए पैकेजिंग का जो अर्थ है यही है कि डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है, यानी कि हिस्टोन क्या है। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ऐसे तीन वायरस या विषाणु के नाम लिखिए जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ऐसे तीन वायरस के नाम लिखिए जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। यानी कि तीन वायरस के नाम बताना आपको जिसमें आरएनए आनुवंशिक वायरस है, तो इसमें इसका आंसर होगा एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। क्लियर?
ये तीनों जो वायरस है एच आई वी टीएमबी इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें जो है यह आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि आनुवंशिक सूचनाओं का बाह्यकरण कौन है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अंग कौन है। क्वेश्चन है आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अंग कौन है। आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अंग कौन है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। वैज्ञानिक का नाम लिखिए। क्लियर। देखिए अभी इससे पहले हमने बताया कि जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है वो डीएनए ही होता है। लेकिन इससे पहले भी प्रश्न देखा कि कुछ वायरसेस में आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक आरएनए भी होता है। ग्रिफिथ फ्रेडरिक ग्रिफिथ एमेरी माइक्लियोड मैकार्टी ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि यह डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। एक अब इसका जो है लिखेंगे प्रश्न का उत्तर क्या है। लिखेंगे आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अण कौन है, इसका उत्तर इसमें लिखेंगे कि सभी कोशिकीय जीवों में यह अण डीएनए ही है। सभी कोशिकीय जीवों में आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु डीएनए ही है। ठीक ना, डीएनए ही है। लेकिन कुछ वायरस में आनुवंशिक सूचना का वाहक लेकिन कुछ वायरस में आनुवंशिक सूचना का वाहक सूचना का वाहक आरएनए है। ग्रिफिथ ग्रिफिथ अवेरी
माय लियोर माय पार्टी ये साइंटिस्ट जो है ने प्रयोगों द्वारा प्रमाण दिया कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। ने प्रमाण दिया कि डीएनए ही एक आनुवंशिक अणु है और आनुवंशिक पदार्थ होने का जो आकार के प्रमाण दिया उनका नाम हर्षे एंड चेज यानी कि इसे आनुवंशिक पदार्थ होने का आकार के प्रमाण हर्षे एंड चेज ने दिया। हर्षे तथा चेज ने दिया ये किसने दिया हर्षे और चेज ने ये प्रमाण दिया कि हाँ डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। प्रश्न है कि केंद्रक में डायमोनिक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट संख्या डीआईसीराइबोस न्यूक्लियोसाइड की संख्या से 10 गुना अधिक होती है, लेकिन डीएनए प्रकृति में डीआईसीराइबोस ही क्यों जुड़ते हैं? उसका कारण है कि डीएनए प्रकृति करण जो है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है और यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है एक प्रकार की विशिष्ट एंजाइम होती है जो कि अपने आधारीय भाग को पहचानता है, इसलिए राइबोन्यूक्लियोसाइड की संख्या अधिक होने के बावजूद भी डीएनए से केवल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड यूनिट्स अपने क्षारकीय आधार से जुड़ते हैं। आधार से जुड़ते क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में पूछा गया है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीआईटी है, इसको आप लोग अवश्य तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। आगे देखें।